हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रिच ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आ गई हूँ कुछ समर हैक्स लेकर आपके लिए। ये हैक्स उन वीमेंस के लिए हैं जो घर में रहती है हाउसवाइफ और जो बाहर जाती हैं वर्क करने और बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ये छोटे छोटे से हैक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं उनके लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हैक की बात करते हैं। समर में सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या परेशान करता है? पसीना। पसीना बहुत आता है, चाहे वो हम लोग किचन में हो, घर में हो, कमरे में हो, कहीं भी हो, चाहे वो हम लोग जॉब में हो, कहीं भी जाते हैं तो पसीना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जब आप मॉर्निंग में नहाने जाते हो तो आपको करना क्या है, आपको जैसे नॉर्मल नहाते हैं वैसे ही नहाना है, बाथ लेना है जैसे आप लेते हो रेगुलरली वैसे लेना है। एंड में आपको आधी बकेट में पानी रखना है और उसमें आपको गुलाब जल डाल देना है। आप कोई भी ब्रांड का गुलाब जल ले सकते हो, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाओ, मैंने होममेड गुलाब जल बनाना बताया है। आप वैसा भी बना के अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और वो गुलाब जल डाल देना है। उसके बाद आपको आखिरी में उसी पानी से नहा लेना है, बाथ ले लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस जब आप दिन भर जाओगे तो बाहर जाओगे या घर में भी रहोगे तो आपको फ्रेश फ्रेश महसूस होगा, पसीना जो है बहुत कम आएगा और स्मेल जो है आपके जो पसीने से आती है वो भी नहीं आएगी, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये तो हुआ हमारा पहला हैक। सेकंड हैक की बात करते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, वो अपने बैग में मिस्ट रख के। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस्ट होता क्या है। मिस्ट मैं आपको होममेड बता देती हूँ, वैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, बहुत सारे मिस्ट मिलते हैं और आपको होममेड मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। एक बाउल में आपको गुलाब जल लेना है, उसके बाद 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल डालना है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप घर वाला भी एलोवेरा जेल उसमें डाल सकते हो। उसके बाद उसमें कुछ रोज़ पेटल डालनी है, उसके बाद आपको मिक्स करना है और इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देना है, ठंडा होने के लिए फ्रिज में रात भर रखना है। उसके बाद आपको रोज़ पेटल निकाल देनी है उसमें से। उसके बाद वो जो लिक्विड फॉर्म है उसको आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास हमेशा स्प्रे बॉटल में मिस्ट मेरा बना रहता है और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं स्प्रे कर लेती हूँ और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। यानी कि आपको स्प्रे बॉटल लेनी है, उसमें अपना मिस्ट भर लेना है, उसके बाद आपको अपने पर्स में रख सकते हो। उसके बाद जब आपको जैसे जलन लगती है किसी किसी को चेहरे पे, धूप में जाते हो जलन लगती है या गर्मी बहुत लगती है या पसीना बहुत आता है सिर्फ चेहरे पे, तो आप 1-2 पंप उसके मार सकते हो। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश महसूस होगा और एलोवेरा जेल आपकी स्किन को जो है ठंडा रखेगा और जो गुलाब जल है आपके स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करेगा। और गुलाब की पंखुड़ियों के गुण तो क्या बताएं आपको, ये तो पता ही है, पुराने ज़माने में भी गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज़ की जाती थी। थर्ड हैक की बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को सन बर्न हो जाता है। जैसे ही वो सन में निकलते हैं उनका चेहरा लाल हो जाता है, हाथ पैर लाल हो जाते हैं, सन बर्न हो जाता है और इचिंग सी जैसे खुजली सी होने लगती है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए एक सिंपल सा हैक है, आपको करना क्या है, एक बाउल में पुदीना होता है, पुदीने की कुछ पत्तियाँ लेनी है, पुदीने की पत्ती आपको क्रश कर लेनी है। उसके बाद उसमें आपको थोड़ा से 1/2 कप पानी डालना है, पानी डालने के बाद आपको उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आइस ट्रे है उसमें डाल देना है इस मिक्सचर को, उसके बाद आपको फ्रीज कर देना है, आपके आइस क्यूब्स तैयार हो जाएंगे और आप के जहाँ भी सनबर्न है या खुजली है, इचिंग है, गर्मी से होती है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो और इसको यूं ही फ्रिज में रखे रहो, जब आपको मर्जी हो तब आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे आपको रोज़ बनाने का झंझट भी नहीं होगा, आप परेशान नहीं होगे और आपका आइस क्यूब जो है जब भी आप चाहोगे तब आप अपने जहाँ पर सनबर्न है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से और आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारा फोर्थ हैक ये है कि आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सन
क्रीम आपको जरूर यूज करनी है। समर में आपको सनस्क्रीम जरूर यूज करनी है, विंटर्स में भी मैं बोलती हूँ कि विंटर्स में भी आपको सनस्क्रीम जरूर यूज करनी चाहिए और समर में तो जरूर यूज करनी चाहिए। जो लोग घर में सोचते हैं कि मैं घर में हूँ मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा गलत सोचते हैं। उनको भी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए क्योंकि धूप हमारे घर में आती है, वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। फैक्ट हमारा ये है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ऑफिस गोइंग्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो घर में रहती हैं लेडीज़, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो स्कूल गोइंग्स गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने टिफ़िन में लंच टाइम में फ्रूट्स ले जाएं। ऐसे फ्रूट्स ले जाएं जैसे ऑरेंज है, पपाया है, वाटरमेलन है। तो करना क्या है, आपको वाटरमेलन अगर ले जाना है तो वाटरमेलन को आपको कट करना है, एयर टाइट डिब्बे में या एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक पैकेट आते हैं उसमें स्टोर करना है और आपको फ्रिज में रख देना है। उसके बाद वो कूल सा, ठंडा ठंडा सा हो जाएगा। उसके बाद आप जब स्कूल जाने लगो तो, या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनको रख लेना है अपने बैग में। उसके बाद सबसे पहले आप जब भी आपको ब्रेक मिलता है तो आप उसी को खाओ पहले, उसके बाद अपना लंच करो। इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी में पानी की कमी है वो तो पूरा करेगा, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और वंडरफुल रहेगी, बहुत अच्छी करेगी, ग्लो करेगी। फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।